बेटर नगरी नैनीताल में क्षेत्राधिकारी नितिन लोहानी ने ऑपरेशन नैनीताल के तहत विभिन्न इलाकों में औचक रूप से सत्यापन अभियान चलाया है। बता दें कि इस सत्यापन अभियान के दौरान 45 भवन स्वामियों द्वारा अपने भवनों में निवासरत किराएदारों का लंबे समय से सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में उनके खिलाफ नियम अनुसार 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत प्रति भवन स्वामी के विरुद्ध में ₹10,000 के चालान काटे गए हैं। इसी क्रम में 81 श्रमिक और किराएदार जो कि बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर लंबे समय से किराए के भवनों में निवास कर रहे थे और उनके द्वारा पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया को नहीं कराया गया था, उन सभी के प्रमुख रूप से चालान काटे गए हैं। वहीं सीओ नितिन लोहानी ने कहा कि आम जनता से अपने यहां निवासरत किराएदारों, मजदूरों, घरेलू नौकरों का सत्यापन कराने की अपील की है, जिससे कि पर्यटक नगरी में कोई अनहोनी की घटना ना हो। आज नैनीताल सर्कल में पहले जो सुबह के टाइम पे मलिताल क्षेत्र में और अभी दिन में तलिताल क्षेत्र में पूर्ण रूप से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसमें जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है, जो मकान मालिक हैं, जिनके यहाँ किराएदार रहते हैं, तो उसमें हम 83 पुलिस एक्ट के चालान के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों के सत्यापन हो गए हैं और रिन्यू नहीं कराए गए हैं, उसे भी कार्रवाई हो रही है। तो इस चीज़ को बहुत वृहद स्तर पर लिया जा रहा है और आने वाले टाइम में इस तरह के और भी अभियान चलाए जाएंगे।